साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे एरिस्टोजाइम लिक्विड। साथियों एरिस्टोजाइम लिक्विड क्या है इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में जानेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे, साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे साथियों, और ये हाउ टू वर्क इन द बॉडी। साथियों एरिस्टोजाइम लिक्विड कैसे वर्क करता है शरीर पे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और MRP के बारे में जानेंगे। साथियों एरिस्टोजाइम लिक्विड डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। साथियों एरिस्टोजाइम लिक्विड कंटेंस फंगल डाइस्टेज एंड पेप्सिन। साथियों जो इसको कंपोजिशन होता है इसमें दो चीज़ों से मिश्रण से मिला है, बना है साथियों, यहाँ पे लिखा भी है डाइस्टेज एंड पेप्सिन लिक्विड, तो फंगल डाइस्टेज मिला है, पेप्सिन मिला है। साथियों एरिस्टोजाइम लिक्विड प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम गैस, हर्ट बर्न एंड इनडाइजेशन। साथियों जो शरीर में जो है किसी तरह की गैस बनती है, और जो साथियों कभी कभी देखा गया है गैस बनती है तो ऊपर की तरफ भागती है, तो उससे क्या होता है हार्ट बर्न होने लगता है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इनडाइजेशन होता है, उसमें बहुत ही लाभकारी सीरप है। साथियों फंगल डाइजेस्टेज इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एक तरह का, दैट हेल्प्स टू कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जिसका काम होता है फंगल डाइजेस्टेज कार्बोहाइड्रेट जिनको डाइजेस्ट नहीं होता है, स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है, फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही मददगार है। इट हेल्प इन डी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जैसा कि अभी बताया था साथियों कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। साथियों एरिस्टोजाइम लिक्विड जो है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही पुराना ट्रस्टेड जो है ये प्रोडक्ट है। साथियों जो इसकी MRP है 104 रुपये MRP है, 200 ml का सीरप है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। साथियों यूजेस की बात करेंगे। साथियों एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द स्टमक, साथियों किसी तरह की गैस है, किसी वजह से कैसा भी विकार है, गैस की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है किसी कारणवश, खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है या खाना जो है थोड़ा सा जैसे रखा हुआ है, बासी है, उसकी वजह से अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे केस में सीरप का इस्तेमाल करेंगे और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, साथ ही साथ खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और किसी तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है उसमें उपयोग किया जाता है। पेनफुल साथियों क्या होता है, पेनफुल प्रेशर, कहने का मतलब है कि जब भी मतलब एक तरह से लैटरिन लगती है, पोटी लगती है और जब जाते हैं तो होती नहीं है, पेट में जो है बहुत ही मतलब हवा ऐसी भरी है, फ्लेचुलेंस है, स्टमक में गैस है, और उसके भी विकार को ये दूर करता है। साथ ही साथ क्या होता है, स्वेलिंग इन द एब्डोमेन, और पेट के अंदर एब्डोमेन में स्वेलिंग है, स्टमक में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है इन द स्टमक, उसको भी दूर करता है, किसी तरह की फ्लेचुलेंस है, गैस है एंड हीकूपस है एंड डिस्पेप्सिया है। डिस्पेप्सिया साथ ही क्या होता है, खाना ना डाइजेस्ट होने की एक तरह की जो है प्रोसेस होती है, तो ये खाना को जो है पचाने में बहुत ही मददगार है। साथियों इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे क्या होता है कि इरिटेशन ऑफ द थ्रोट एंड स्टमक, कहने का मतलब है जब पीते हैं तो गले में जो है एकदम इचिंग टाइप की होती है, क्योंकि इसका पाइनएप्पल फ्लेवर है साथियों, अगर आपने कभी कच्चा पाइनएप्पल खाया होगा तो उसमें भी टंग में और थ्रोट में अजीब सा जो है सेंसेशन होता है, तो ये एक तरह का हल्का फुल्का क्षणिक जो है साइड इफेक्ट है। फीलिंग सिकनेस, जब इसको पियेंगे तो लगेगा अजीब से बीमार टाइप के, क्योंकि इसकी स्मेल से जो है अजीब सा लगेगा, और इसको पीने से क्या होता है, ये डार्क एंड ब्लैक स्टूल हो जाता है, मतलब लैटरिन जो है काली और यह ब्लैक जो है उस तक कलर की हो जाती है, तो ये एक तरह का साइड इफेक्ट है। और स्टमक कभी कभी किसी किसी को अपसेट होने के चांस होते हैं, डायरिया बनने के चांस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नोजिया हो जाता है, तो इस तरह के ये जो है साइड इफेक्ट है। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे तो लैक्टेशन, जो मदर जो है बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको बगैर डॉक्टरी सलाह से इसको नहीं पीना चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस होते हैं। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया साथियों इसमें दो दवाइयों का मिश्रण है, डाइस्टेज इसमें 50 mg मिला है एंड पेप्सिन 10 mg जो है इसके अंदर मिला है। साथियों इसकी डोज की बात करेंगे तो एडल्ट में जो है 5 ml डोज है, कहने का मतलब 1 tsp इमीडिएटली आफ्टर मील्स 2 times a day, कहने का मतलब एक बार सुबह खाना खाने के बाद, एक शाम को खाना खाने के बाद, या फिर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। इसी तरह से साथियों बच्चों में जो है क्या कहते हैं कि 3 years above, उससे छोटा है तो उसके लिए इसका ड्रॉप आता है, तो उसमें 2.5 ml, कहने का मतलब है 1/2 tsp,
आधा चम्मच सुबह खाने के बाद इमीडिएट और आधा चम्मच शाम को खाने के बाद इमीडिएट ये दिया जाता है। साथियों ये वर्क कैसे करता है बॉडी के अंदर, तो जैसा कि अभी हमने जो है डिस्क्रिप्शन में बताया कि साथियों एरिस्टोजाइम कंटेंस पेप्सिन एंड फंगल डाइस्टेज ये दो कॉम्बिनेशन की दवाई है दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन। और ये क्या होता है प्रोटीन जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है दैट अवेलेबल इन द फूड एंड ट्रांसफॉर्म द स्टार्च इन द फूड। जो प्रोटीन होती है फैट होता है साथियों, और साथ ही साथ क्या होता है कि मतलब अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो उसमें क्या होता है कि वो जो है उनके मॉलिक्यूल को ये ब्रेक करता है और उससे क्या होता है डाइजेशन करने में बहुत ही मदद मिलती है साथियों। साथियों एरिस्टोजाइम ब्रेक्स द फूड मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प्स द डाइजेशन प्रोसेस गेट रिलीफ फ्रॉम हेल्थ कंडीशन लाइक इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में मदद करता है, फ्लेचुलेंस जो बनती है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसमें मदद करता है। साथियों इसका और भी बहुत सा इस्तेमाल है साथियों, जैसे पेंक्रियाज की किसी तरह की बीमारी है डिजीज या पेंक्रियाज उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल होता है उसमें भी, और स्टार्च डिसऑर्डर होता है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर उसमें भी, एंड स्टमक फुलनेस साथियों ये होता है पेट भरा भरा लगता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो इसको एल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एंड मेट्रोनाइडा जो अगर टैबलेट कोई खा रहा है मेट्रोजिल खा रहा है तो उसके साथ इंट्रेक्शन होने के चांस है, तो इसका सेवन ना करें। एकार्गोस कोई टैबलेट खा रहा है एंड मेजिटॉल उसके साथ इसका सेवन ना करें। साथियों मार्केट में जो है ये आसानी से अवेलेबल है, बहुत ओल्ड ब्रांड है, बहुत ब्रांडेड कंपनी का ब्रांड है अरिस्टो कंपनी का, एरिस्टोजाइम के नाम से। साथियों मार्केट में इसका बच्चों के लिए ड्रॉप आता है, बहुत छोटे बच्चों के लिए इसका कैप्सूल भी आता है और सीरप आता है। जो अभी हमने डिस्कशन किया है वो सीरप का किया है साथियों। इस तरह के कांच की बोतल में सीरप होता है साथियों, ये इसका जो है कंटेनर है साथियों। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।